नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे। इसमें दो मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने डाले हैं, आप इन्हें बड़े पीसेस में भी रख सकते हैं। इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे, मैंने यहाँ एक बड़ा प्याज लिया हुआ है, और साथ ही चार कटे हुए लहसुन और एक इंच करीब अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। अब साथ ही जीरा, अगर आपके पास साथ जीरा है तो वो डालें, एक छोटा चम्मच। छोटी इलायची चार, लौंग चार पीसेस डाले हैं, और इसके बाद एक बड़ा चम्मच हम इसमें बटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमें इसे करीब 2 मिनट तक पकाना है। इसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे। इसे इस तरह से इसलिए पकाया जाता है ताकि टमाटर के छिलके आसानी से निकल जाएं, और जब प्याज इस तरह से पकता है तो वो एक ग्लॉसी लुक देता है। मैंने इसमें साथ ही काजू 10 से 12 पीसेस डाले हैं। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देखेंगे कि टमाटर के छिलके धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, तो आप समझिए ये रेडी है। हमें इसे ठंडा करना है और इसका एक पेस्ट बनाना है। इसे मिक्सर में डालने से पहले जो हमने खड़े मसाले दालचीनी, लौंग और इलायची डाला था, आप उसे निकाल लीजिएगा, वरना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देते हैं। इस तरह से इसे निकाल कर हम छान लेंगे। मैंने यहाँ पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो ज़रूर डालें। हमारा मसाला पेस्ट रेडी है। अब हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें एक छोटा चम्मच बटर डालेंगे और साथ ही रेड चिल्ली पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच। इसे अच्छे से मिलाएंगे, इससे हमारे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब जो मसाले का पेस्ट हमने रेडी किया था, हम उसे इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाला है, ये ऑप्शनल है। जब इस ग्रेवी में एक उबाल आ जाए तो हम यहाँ पर पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ करीब 300 ग्राम पनीर डाला है। फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो इसमें मावा भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, और साथ ही यहाँ पर शुगर या हनी डालेंगे। मैंने यहाँ हनी 1 छोटा चम्मच यूज़ किया है। हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। मैंने यहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, अगर आपको ज़रूरत हो तभी डालें वरना ना डालें। तो लीजिए, रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बिल्कुल रेडी है। आप इसे रोटी, नान या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।